प्रोवाइडेड ये कहता है कि भैया जब भी आप कन्फेशन रिकॉर्ड करोगे तो आप एक्यूज को प्रॉपर वार्निंग दोगे अक्यूज को बताओगे कि भाई ये आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आप यहाँ पे करने वाले हो यहाँ से क्वेश्चन आता है 164 कौन रिकॉर्ड कर सकता है मेट्रोपोलिटन मजिज्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उनके पास जो है, है या नहीं है इन दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या ट्रायल के स्टेज पर किया जा सकता है नहीं ट्रायल के स्टेज पर नहीं हो सकता कन्फेशन नाउ सब सेक्शन फाइव कहता है कि कन्फेशन के अलावा कोई अदर स्टेटमेंट्स है उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा अगर उनको ऐसा लगता है जैसे आपने अभी सेक्शन वन फिफ्टी फोर में पढ़ा था ठीक है पुलिस वाले के सामने अगर कोई देने गया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड पुलिस वाला डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड करवा दो अपनी ठीक है ऑथ के ऊपर फाउ टू एडमिनिस्ट्रेट ऑथ हमेशा ऑथ पे होती है स्टेटमेंट कन्फेशन ऑथ पे नहीं होता ये प्री का क्वेश्चन है ठीक है नाउ 164 से इतना ही आपके लिए रेलेवेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा नहीं आएगा यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं 164A. 164A आपने सेक्शन पढ़ा था 53A अगर आपको याद हो एक्यूज ऑफ रेप यहाँ पे बात करिए विक्टिम ऑफ रेप की 164A हमेशा आता है प्री में ठीक है 2005 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप जो भी विक्टिम ऑफ रेप है ठीक है ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हेन ऑफेंस अगर कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है और आप उस महिला को एग्जामिन करना चाहते हो तो जो हॉस्पिटल है उसमें एग्जामिन होगा लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड जो रखा हुआ है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर ये 24 घंटे ऑफेंस के नहीं है ये इन्फॉर्मेशन जब आपको रिसीव हुई तो विद इन चौबीस घंटे विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स आप उसको एग्जामिन करेंगे एग्जामिन करते हुए सारी चीजें आ जाएंगी <coughs> यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेक्शन फोर में कि आप उसकी कंसेंट लेके ही आप उसको एग्जाम करें विदाउट कंसेंट आप उसको एग्जामिन नहीं कर सकते उस महिला को और जो ये रिपोर्ट आएगी इस रिपोर्ट को आप 173 के अंदर जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके साथ में आप सबमिट करने का काम करेंगे सो डेट कोर्ट इसको कंसिडर कर सकें नाउ 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर जनरल सर्च है ठीक है विदाउट वारंट यहाँ पे सर्च जो कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर 165 जब भी पुलिस ऑफिसर जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको लगता है कि नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेस को कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं ठीक तो है तो वन हेडिंग आपको पढ़नी उससे ज्यादा कोई काम का नहीं है ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू वारंट जनरली कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ठीक है बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर याद रखना है सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ठीक है वो किसी और पुलिस स्टेशन वाले को चाहता है वो वहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस चीज़ को वो जो है ऑर्डर पास कर दीजिए इस चीज़ के रिगार्डिंग इशू वारंट आप पास कर दीजिए ठीक है सो वन सिक्सटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री में नहीं आएगा वन ए एंड वन बी दोनों प्री और मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है देखो तो ये कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ठीक है आप क्या करेंगे कॉम्पिटेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया इंडिया से बाहर अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है <coughs> इंडिया से बाहर आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस केस में आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसेस बनाया है उसके थ्रू वन ए इंडिया से बाहर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है वन बी ये कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कंट्री बाहर वाली कंट्री ने इंडिया में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा तो अकॉर्डिंगली वन ए एंड वन बी प्री के लिए हेडिंग हेडिंग पढ़नी है नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री में भी आता है मीनस भी आ, भी आ है वन सिक्सटी सेवन कहते है, प्रोसीजर क्या होगा अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट ना हो जो आपने सेक्शन 57 में पढ़ा था अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो पुलिस ऑफिसर जो भी पर्सन रेस्टेड है एंड ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे जो भी उनके पास एंट्री है <coughs> पेश कर दिया है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट साहब के सामने फॉरवर्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब की जो है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है मैजिस्ट्रेट की जो है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है मैजिस्ट्रेट साहब चाहें तो उसकी डिटेंशन को ऑथराइज़ कर सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन के लिए पुलिस कस्टडी में वो दे सकते हैं उसको जुडिशियल कस्टडी मिक्स होती है पंद्रह दिन के लिए आप दे सकते हो <coughs> सॉरी <coughs> 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 गले में क्या हो गया <coughs> अगर उनकी जूरीजेक्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे उसको फर्दर अननेसेसरी डिटेन ना करते हुए फॉरवर्ड कर देंगे उस मजिस्ट्रेट के पास जिसकी जुरजेक्शन है अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो फिफ्टीन डेज से ज़्यादा की वो वो जो है कस्टडी भी अलाउ कर सकते हैं लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी होगी पुलिस कस्टडी पंद्रह दिन की ही रहेगी पुलिस कस्टडी के अलावा देखो नाइन्टी डेज़ और सिक्सटी डेज़ का कंसेप्ट है नाइन्टी डेज़ कहाँ पे जहाँ ऑफेंस दस साल से कम की पनिशमेंट का नहीं है ठीक है नॉट लेस देन टेन ईयर्स टेन ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए ऑफेंस की पनिशमेंट अगर दस साल या दस साल से ज्यादा है तो नाइन्टी डेज के लिए आप उसको ऑथराइज़ कर सकते हो जुडिशियल कस्टडी में जेसी में अगर दस साल से नीचे का ऑफेंस है तो सिक्सटी डेज के लिए आप उसको जेसी में डाल सकते हो और नाइन्टी और सिक्सटी डेज के अंदर अगर फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो एक्यूज पर्सन जो है रेस्टेड पर्सन जो है उसको डिफॉल्ट बिल का राइट है आप उसको डिफॉल्ट बिल प्रोवाइड करेंगे ठीक है पटाक रिली लिखा हुआ है एक्सपायरी दी सेट पीरियड और 90 और 60 डेज एक्यूज पर्सन जो है रिलीज किया जाएगा बिल के ऊपर लेकिन कब जब वो बेल प्रिपेयर करेगा अगर वो बेल प्रिपेयर नहीं करता तो डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी वो बेल प्रिपेयर करे उसके बाद ही ठीक है वो बेल प्रिपेयर करे उसके बाद ही अगर अप्लाई नहीं करेगा तो बेल नहीं मिलेगी उसको ठीक है और एवरी पर्सन जो भी रिलीज़ किया जाएगा वो फिर चैप्टर नंबर थर्टी थ्री के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज नहीं करेगा किसी भी एक्यूज की डिटेंशन पुलिस की कस्टडी में ठीक है जब तक उसको इन पर्सन प्रोड्यूस ना कर दिया ये एग्जाम में नहीं आएगा डायरेक्टली जो एग्जाम में आएगा उसके पास मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन नंबर वन एंड एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये कहता है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एक्सपायरी है जो पीरियड सिक्सटी और नाइन्टी डेज का है द्यू शेल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग ही डज नॉट जब तक अगर वो बेल फर्निश नहीं कर रहे हैं आप उसको दो सौ दिन तीन सौ दिन चार सौ दिन कितने दिन जेल में रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है नाइन्टी और सिक्सटी डेज एक्सपायर होने के बाद आपको बेल देनी पड़ेगी तभी आपको बेल मिलेगी अदरवाइज आपको बेल नहीं मिलेगी दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल अगर आप नहीं करते हो बेल फर्निश तो आपको कितने सालों साल जेल में रखें कोई मतलब नहीं उसका <coughs> हाँ बिल्कुल है नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब का अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं है ठीक है आपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया तो वहां पे सेवन डेज का कंसेप्ट है सात दिन के लिए जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जो है कस्टडी दे सकते हैं सात दिन से ज्यादा जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कस्टडी नहीं दे सकते ई e के केस से में सेवन डेज याद रखना है आपको और उससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है यहां पर ना हो यहां पर डायरेक्टली आइए आप लोग सबसेक्शन फाइव पे सबसेक्शन फाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनिए सबसेक्शन फाइव कहता है इफ़ इन एनी केस जो कि ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है सम्मन केस की तरह उसको ट्राई किया जा रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर छः महीने में कंप्लीट नहीं होती सिक्स मंथ्स टाइम पीरियड याद रखना है अगर सिक्स मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती कोई एक ऐसा केस जिसका ट्रायल समन केस की तरह किया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट साहब जो है ऑर्डर पास कर देंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए वहीं पर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाएगी ठीक है तो ये आपको याद रखना है सिक्स मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए 167 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 168 168 168 कहां गया स्टेट अमेंडमेंट बहुत हैं इसमें 168 प्री के लिए रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर भी सबमिट कर सकता है ठीक है 169 एंड 170 बड़ा इंपॉर्टेंट है 169 कहता है कि जहां एविडेंस कंप्लीट नहीं है क्लोजर रिपोर्ट आप कहते हैं ना क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती गई है तो 169 कहता है जहां एविडेंसेस कंप्लीट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यार सफिशिएंट एविडेंस नहीं है क्या इसको मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेंगे तो उसको वहाँ पे एक्यूज को रिलीज कर देंगे छोड़ दिया जाएगा वन कहता है जहाँ एविडेंस सफिशेंट है तो केस जो है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने सेंड कर दिया जाएगा वन के अंदर ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वन सेवेंटी वन हमारे एग्जाम में नहीं आता 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन केस डायरी 172 बड़ा इंपॉर्टेंट है केस डायरी की बात करता है दो क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन केस डायरी कहाँ दी हुई है 172 में दी हुई है दूसरा क्वेश्चन केस डायरी का क्या यूज़ हो सकता है केस डायरी को किस चोर पे यूज़ किया जाएगा क्या केस डायरी को एज एविडेंस यूज़ किया जाता है कभी भी केस डायरी को एज एविडेंस यूज नहीं किया जाता बस इसको एड ठीक है इंक्वायरी की एड के लिए और ट्रायल की एड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर केस डायरी को कोर्ट रेफर करती है तो पुलिस ऑफिसर जो है रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी और अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्रेश करता है तो कोर्ट यूज़ कर सकती है फॉर दी पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकती है और जो 161 और 145 फोर्टी फाइव एविडेंस एक्ट उसके प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया मेन्स के लिए रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो चालान और चार्जशीट जो है 173 के अंदर सबमिट कर दी जाएगी अब आप यहां पे देखेंगे तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है इस चैप्टर के अंदर वो कंप्लीट की जाएगी विदाउट अनेसेसरी डिले और यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है वन ए सेक्शन वन ए कहता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर रेप वाले ऑफेंसेस से डील करती होगी तो वो जो है फ्रॉम द डेट यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है ना फ्रॉम द डेट ऑन ऑनली इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ठीक है कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपकी टू मंथ्स के अंदर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर वो रिलेट करती है रेप वाले ऑफेंसिस से सबसेक्शन टू जो कहता है सबसेक्शन टू कहता है कि भैया आपकी जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबसेशन टू में सबमिट हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबसेक्शन टू में सबमिट हो जाएगी आपकी ठीक है ये पूरी डिटेल दे दिए नेम ऑफ द पार्टीज़ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें आप यहाँ पर सबमिट करेंगे अब इसके बाद डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है वन सेवनटी थ्री सबसेक्शन एट वन सेवेंटी थ्री सबसेक्शन एट जो बात करता है वो कहता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट की जिसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं या डेफर्ट चार्जशीट आप बोलते हैं तो 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन एट कहता है कि 173 कहीं पे भी मना नहीं करता ठीक है 173 कहीं पे भी मना नहीं करता 173 के अंदर ये साफ साफ कहा गया है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो और सप्लीमेंटरी चार्जशीट भी आप सबमिट कर सकते हो 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन एट अगर इन डिटेल सीआरपीसी पढ़नी है तो ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो इन डिटेल सीआरपीसी विद नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो सो दिस क्लास इज़ ओनली फॉर रिवीजनल पर्पज नेक्स्ट वन सेवेंटी बात करता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की और जिसको हम पंचनामा बोलते हैं पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट करेगी सुसाइड्स के ऊपर प्री में काफ़ी बार आता है देखो तो बड़ा सिंपल सा है कोई भी पुलिस ऑफिसर है या अदर पुलिस ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया जिसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि, कि किसी ने सुसाइड कर लिया है किसी को जानवर ने मार दिया है किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो ये जितने भी सरकम सांस है सारे, सारे के सारे नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आपको को जाकर इन्फॉर्म करेंगे और वो वहाँ पे क्या करेंगे इंक्वेस्ट जो है अपनी हेल्ड करने वाले हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बनाने वाले हैं ठीक है स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर स्पेशल डायरेक्टर्स आ जाते हैं डी एम साहब की तरफ से एस डी एम साहब की तरफ से तो अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करके वहाँ पर एक रिपोर्ट बनाएंगे आ, कि भैया कैसे डेथ हुई है महिला के केस में अगर विद इन सेवन ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ठीक है ये सारा वो वाला भी है यहाँ पे मैं वुमेन के रिगार्डिंग भी है ठीक है अब यहाँ पे जो सबसेक्शन फोर है वो इंपॉर्टेंट है कि 174 के अंदर इंक्वेस्ट कौन होल्ड करेगा हमेशा याद रखिए डी एम साहब कर सकते हैं और एस डी एम साहब कर सकते हैं एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है अगर इनको स्टेट गवर्नमेंट ने या डी एम ने इम्पावर किया है तो सबसेक्शन फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री हमेशा आता है इंक्वेस्ट कौन होल्ड करेगा क्लियरली लिखा हुआ है डी एम एस डी एम या फिर ई एम साहब ना वन सेवेंटी फाइव आपको नहीं पढ़ना पावर टू समन ठीक है ये हमारे काम का नहीं वन सेवेंटी सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री में आता है कस्टोडियल डेथ जिसको हम समझते हैं इंक्वायरी बाई मैजिस्ट्रेट इंटू कॉज ऑफ डेथ यहाँ पर डायरेक्टली आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कस्टोडियल डेथ कहाँ पर दिया हुआ है सेवेंटी वन सेवनटी सिक्स में इसकी इंक्वायरी कौन कर सकता है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जुडिल मैजिस्ट्रेट या मैजिट्रोबल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर ये यहाँ पर आ जाइए फटाक से वन सेवेंटी सिक्स का सबसेक्शन फाइव जीएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है इंक्वायरी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ठीक है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन ठीक है और बॉडी फॉरवर्ड कर देगा नियर सिविल हॉस्पिटल में उसके एग्जामिनेशन के लिए सो दिस इज सेक्शन नंबर वन सेवेंटी सिक्स और इसी के लिए चैप्टर सेवन चैप्टर नंबर ट्वेल्व आपका कंप्लीट हुआ नाउ चैप्टर नंबर थर्टीन पे चलते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन क्या कहते हैं देखो एक बार रिकॉल करें सारा का सारा पूरी पूरी कहानी की तरह एक बार रिकॉल करें एक बार रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन स्टार्ट करने से पहले मैं नहीं चाहता हूँ तुम भूल जाओ मैं चाहता हूँ ये सेशन कंप्लीट हो तो सीआरपी सी तुम्हारे दिमाग में छप जाए <coughs> चैप्टर वन प्रिलिमरी हमने डिस्कस किया सेक्शन वन से लेकर फाइव तक चैप्टर टू हमने डिस्कस किया प्रिलिमरी के बाद भाई कोर्ट कौन कौन सी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स बता दो ठीक है चैप्टर नंबर टू आ गया सेक्शन सिक्स से लेके ट्वेंटी फाइव एट तक कोर्ट्स का पता लग गया कोर्ट की पावर और बता दो भाई पावर गई चैप्टर नंबर थ्री के अंदर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स से लेके हम आगे थर्टी फाइव तक बोला कोर्ट की पावर तो आ गई अब एक बात बताओ जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस की उनकी पावर्स क्या होगी ठीक है वो है चैप्टर नंबर फोर कहता है सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स से लेके फोर्टी तक पढ़ लो बोला ठीक है भाई सब कुछ समझ में आ गया प्रलिमिन्री समझ में आ गया कौन सी कोर्ट होंगे ये समझ में आ गया कोर्ट की पावर समझ में आ गई ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स की पावर समझ में आ गई अब ये बताओ भाई अरेस्ट कौन कौन कर सकता है वो है चैप्टर नंबर फाइव अरेस्ट कैसे बोला सेक्शन फोर्टी से लेकर सिक्सटी तक पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं बोला ठीक है अरेस्ट भी समझ में आ गया बोला यार अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में घसीट के लाना हो तो कैसे लाएंगे बोला चैप्टर नंबर सिक्स वो ये कहता है कि टू कंपल जो बात करता है 61 से लेके आपका सेक्शन नंबर 90 तक जिसके अंदर सम्मन वारंट प्रोक्लेमेशन आप इशू करके उसको लेके आ सकते हो बोला आदमी का तो समझ में आ गया बोला अब बोला यार किसी व्यक्ति की, की कोई डॉक्यूमेंट है कोई प्रोडक्शन करवानी किसी थिंग की उसको कैसे लेके बोला चैप्टर नंबर एट है ना चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर नंबर सेवन है चैप्टर नंबर क्या कहता है बोला भैया प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कैसे आप थिंग प्रोड्यूस करोगे वो कहता है सेक्शन नंबर लेकर वन जीरो फाइव तक लिया हुआ है कैसे कर सकते हो ठीक है भाई ये सारी चीजें समझ में आ गई अब एक बात बताओ कोई बंदा है ना हुरदंगाजी कर रहा है ठीक है पीस को जो है ब्रीच कर रहा है ठीक है बकवासबाजी कर रहा है बोला फिर चैप्टर नंबर है तो एट अपना उसमें क्या है बोला यार सिक्योरिटी ले लो उससे पीस के लिए गुड बिहेवियर के लिए बोला वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं बोला सेक्शन वन जीरो सिक्स से वन ट्वेंटी फोर तक पढ़ लो बोले एक सौ छः में कन्विक्शन है जिसमें तीन साल की फिर आगे अदर केसेज हो गया फिर सी डी सी सी हो गया फिर दस नंबर हो गए सारे वहीं पर लपेट लिए हमने बोला ठीक है यार बोले यार पैसे पुसे की कमी हो रही है मेंटेनेंस के लिए बताओ कैसे करें जुगाड़ बोला चैप्टर नंबर है तो नहीं मेंटेनेंस करवाओ वन से लेकर वन तक ये भी ठीक है भाई फिर बोला भाई पब्लिक ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए मेंटेनेंस तो मिल गया मेंटेनेंस के बाद पब्लिक ऑर्डर भी तो मेंटेन करना सिखाओ बोला चैप्टर नंबर टेन है तो वो क्या कहता है बोला 129 से लेके 148 तक पढ़ डाल उसमें सब कुछ है धारा एक उसमें लगती है 133 का ऑर्डर उसमें आता है धारा एक ए उसमें लगती है कोई भी व्यक्ति सीधा सा याद रखना है कोई भी व्यक्ति अगर उर्दंगबाज़ी कर रहा है ठीक है घर कैसे बना रहा है गड्ढा गोद रहा है कुछ कर रहा है कंडीशनल ऑर्डर वन में अच्छा बोला एक जगह पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक का ऑर्डर अच्छा हथियारों के साथ अगर प्रोसेस निकाल रहे हैं लठ वगैरह ले रहे हैं तलवार हाथ में ले रहे हैं फिर वन ए का ऑर्डर डी साहब पास कर देंगे अच्छा ये सारा का सारा चैप्टर नंबर टेन के अंदर हो जाएगा बोला ठीक है भाई बोला यार ये सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे बोला नहीं तुम्हें नहीं करने पड़ेंगे बोला फिर बोला यार पुलिस की ड्यूटी बनती है पुलिस की कैसे बनती है बोला चैप्टर इलेवन है क्या प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस पुलिस प्रिवेंट करेगी भाई किस चीज को बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकेगी अच्छा प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोकेगी अच्छा उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी जो व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करना चाह रहा है अच्छा बोला कोई घपला कर रहा है वजन वजन में बोला उसको उसके भी सर्च कर लेगी जपत कर लेगी उसके भी ठीक है चल भाई ये चीजें तो समझ में आ गई पुलिस की ड्यूटी भी है बोला पुलिस की इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स क्या है और कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी बोला चैप्टर नंबर ट्वेल्व है तो अपना वो क्या कहता है बोला यार इंफॉर्मेशन अगर पुलिस के पास चली गई कांगनीजेबल की या नॉन कांग्गनीजेबल दो ही जाएगी बोला कांगनीजेब की जाएगी तो 154 में एफआईआर कर लेगी नॉन कॉन्ग्निजेबल की जाएगी तो एनसीआर रिपोर्ट आ जाएगी एक के साथ में एक की इन्वेस्टिगेशन की दी हुई है और वन की इन्वेस्टिगेशन उसी में दी हुई है बोला ये समझ में आ गया बोला अच्छा एक बात बता क्या पुलिस किसी को एग्जामिन भी कर सकते हैं बोला बिल्कुल कर सकती है यार विटनेस को जिसको पता है कि इसके बारे में बोला कहाँ करेगी बोला 161 में दे रखा है अच्छा 161 में एग्जामिन कर सकती है हर किसी को बोला ना पंद्रह साल से नीचे वाले बच्चे को नहीं बुला सकती पैसठ से ऊपर वाले को नहीं बुला सकती अपने पास ना किसी महिला को बुला सकती ना किसी मानसिक और शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति डिसेबल तो उसको भी नहीं बुला सकती बोला ठीक है फिर उनका क्या करना है बोला तो उनके घर पर जाके एग्जामिन कर लो अच्छा तो स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने जरूरी है बोला नहीं करने भाई वन मना करता है स्टेटमेंट पर साइन नहीं करने फिर वो स्टेटमेंट क्या पर्पज हुआ उसका बोला वो स्टेटमेंट सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है और कोई पर्पज नहीं है उस स्टेटमेंट का 162 तो हो गया भाई बोला फिर अगर किसी को कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना हो तो बोला वन सिक्सटी फोर है तो बोला किसको करवाएं बोला किसी भी मेट्रोपोलिटन मैजिट्रेट को करवा दें बोला जुडिशियल को भी करा सकते हैं हाँ जुडिशियल को भी करा सकते हैं बोला जुरुजेक्शन होनी जरूरी नहीं भाई जुरोजेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्ड करवा दें क्या कन्फेशन ऑथ पे करवाना पड़ेगा नहीं कन्फेशन ऑथ पे करवाने की जरूरत ही नहीं है उसमें मना कर रखा है कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो मैजिट्रेट साहब वार्निंग देगा हाँ वार्निंग देगा मैजिट्रेट बोला कन्फेशन नहीं करवाना कोई स्टेटमेंट करवानी है भाई स्टेटमेंट तो फिर ओथ पे करवानी पड़ेगी 164 सिक्सटी फोर सब सेक्शन फाइव में करवा दे होगी वन सिक्सटी अब कन्फेशन हो गया स्टेटमेंट होगी बोला यार मैंने ना एक ये केस डायरी और सुनी है कि ये केस डायरी क्या होती है भाई जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना तो सारी चीजें केस डायरी में लिखती है सारी चीजें सब कुछ डिटेल केस डायरी में लिखेगी कि भाई कब गए कहाँ गए कैसे इन्वेस्टिगेट किया बोला कौन सा सेक्शन है बोला वन है बोला केस डायरी को कैसे क्या एविडेंस के तौर तो पे यूज नहीं एविडेंस के तौर तो पे यूज नहीं होगी केस डायरी पुलिस वाला अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकता है और पुलिस वाला जब अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज करेगा तो कोर्ट उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है उसको बोला ठीक है वो भाई सब कुछ समझ में आ गया अब यू बता जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है ठीक है उसकी रिपोर्ट कहाँ सबमिट की जिसको आप चालान कहते हैं चार्जशीट कहते हैं बोला मेरे भाई वन है 173 कहता है इन्वेस्टिगेशन हो गई आपकी तो आप वहां पे रिपोर्ट सबमिट कर दो बोला लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने कितने टाइम में ये भी तो कुछ होगा ना हाँ वन के साथ एक सेक्शन भी याद रखना आपको बोला कौन सा बोला वन सिक्सटी बोला वो क्या कहता है कि कितने टाइम बोला भाई देख दो चीजें हैं अगर आपका केस उसकी सजा 10 साल से कम है ठीक है तो तो आप मान के चलो कि आप 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो बोला 10 साल से ऊपर है बोला फिर बोला 90 दिन के अंदर और बोला भाई 90 और 60 दिन में ना हो तो क्या करें बोला भाई डिफॉल्ट बेल मिल जाए डिफॉल्ट बेल मतलब तुम्हारी गलती की वजह से उस अक्यूज व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो कैसे उसको बेल दे भाई बेल देनी पड़ेगी अगर बेल नहीं देगा तो बोला नब्बे दिन से कितने दिन जेल में रखो साठ दिन से कितने दिन जेल में रखो कोई चक्कर नहीं है भाई सब कुछ समझ में आ गया 173 भी आ गया यहां पे भी अच्छा एक बात बता इन्वेस्टिगेशन होगी रिपोर्ट सबमिट कर दी लेकिन बाद में पता लगे कुछ एविडेंस और निकल के आ रहे हैं अब क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है बोला हाँ भाई 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन एट में दिया हुआ है क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती हो और बोला फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो रिपोर्ट कहाँ सबमिट करूंगा बोला वन सबसेक्शन टू में तो उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट ठीक है भाई वन भी समझ में आ गया अब बात करते हैं भाई यार ये जो लोग मर जाते हैं ना बड़े दुखी आत्मा प्रकार के लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं एक्सीडेंट हो जाता है इनका तो इसके ऊपर कौन कार्रवाई करता है बोला भाई ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है ये यार इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन करता है बोला वन में दिया हुआ है इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी ठीक है डीएम साहब हैं एस साहब हैं उनको एम्पावर किया गया वो देखेंगे भाई कैसे मौत हुई है कैसे नहीं बोला ठीक है बोला यार कई बार ये ना पुलिस अरेस्ट करके बहुत टॉर्चर करती है टॉर्चर कैसे बोला यार थाने में ले जाके पिटाई करते हैं और उससे बंदा मर जाए तो फिर क्या होगा बोला भाई वो कस्टोडियल डेथ होती है और वो 174 में दिया हुआ है 175 में सॉरी 176 में दिया हुआ कस्टोडियल डेथ तो उसके ऊपर क्या हुआ भाई उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट साहब ठीक है सो वन सेवेंटी तक हो गया कंप्लीट बोला ठीक है भाई ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अब मुझे फटाक से ही बता दें मैं केस कहाँ पर जाके फाइल करूँ कौन सी कोर्ट है जिसकी जुरुजेक्शन बनेगी मेरे केस के रिगार्डिंग भाई देख उसके लिए चैप्टर नंबर थर्टीन पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर नंबर थर्टीन अभी अपन पढ़ेंगे

आइए तो पहला सेक्शन कहता है 177 177 कहता है कि जर्नली प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा <coughs> यह कहता है भैया कोई भी ऑफेंस ठीक है आमतौर पर कहां इंक्वायर किया जाएगा जहां पे वो कमिट होगा यह हमेशा याद रखना जर्नल है 177 सेवनटी सेवन जहां पे